अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट वगैरह आती है कि जहाँ पर आपको चेक करना होता है कि ये कब बनी या फिर इसकी डिटेल्स से अगर आपको मालूम नहीं होता है कि फेक है रियल है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको whoisdomains.com whoisdomaintools.com इस पर जाना होगा। पहले हमको मालूम नहीं था लेकिन हमारे एक यूट्यूबर भाई ने ये चीज़ बताया है, तो अगर ये पहले से अगर वो अच्छे से वीडियो की सूरत में अगर ये होता था तो बहुत हेल्पफुल हो जाता था, लेकिन वो चीज़ हमने बाद में स्टडी की है। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अलग अलग आईपी बदलते रहते हैं, तो अब हम ये जो जीएसए की वेबसाइट है इसको, ये जो लिंक है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। कॉपी करके पेस्ट कर देने पर अब ये सर्च कर रहा है, सर्च करने पर देखिए यहाँ पर लिख कर आएगा रिडेक्टेड फॉर प्राइवेसी रजिस्ट्रेंट जो है, तो इसके बारे में आपको मालूम करना होगा कि क्या होता है। होस्टिंग हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर टूल्स में डोमेन बाय प्रॉक्स LLC, रजिस्ट्रेशन कंट्री कौन सी है, US की बता रहा है रजिस्ट्रेशन कंट्री, गोडेडी डॉट कॉम से ही हुआ है रजिस्ट्रेशन, और ये जो क्लाइंट है तो 30, उसकी डेट जो है 35 days ओल्ड की है, जो बनी थी 16 मई 2023 को, और एक्सपायर डेट उसकी है 16/5/2024 को, यानी कि अभी 1 साल अभी बाकी है, और अपडेट ये हुआ है 21/5/2003 को, मतलब वो 20 तारीख को किसी का वो कुछ ऐप एरर आ रहा था, तो उन्होंने 21 तारीख को इसको अपडेट ये किया था। तो जब तक ये समझ में नहीं आया था क्योंकि वो रिडिम्पशन कोड में उन्होंने लगा कर रखे थे, उसके बाद अब ये नेम सर्वर ये अलग अलग है, नेम सर्वर और आईपी एड्रेस उसका ये है यहाँ पर, जो कि आईपी के लोकेशन बता रहा है सेंट्रल सिंगापुर, ये इस तरह से alibaba.com यहाँ पर से बता रहा है वो, तो ये सारा उसका डेटा है। तो अगर अगली बार ये, पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी जो साइबर सिक्योरिटी में आता है, तो उसमें हम अगली बार से अगर कोई भी अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है कोई वेबसाइट, तो उसको हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि इसका कौन सा डोमेन है और उसकी फुल हिस्ट्री क्या है, ये सारा इस वेबसाइट के थ्रू मालूम कर सकते हैं। उसी तरह से एक और वेबसाइट है यहाँ पर, ये डिजिटल एनर्जी नाम से, इसको हम चेक करते हैं, इसको हम बैक लेंगे, तब आपके पास जब भी कोई वेबसाइट आती है तो आप उसको चेक कर सकते हैं whoisdomains.com पर। तो ये एक टूल हमारे पास में, ये वेबसाइट बहुत अच्छी है जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आई थी कि कंपनी कहाँ की है कहाँ की नहीं, और वेबसाइट का डोमेन कितने दिन पहले बना है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका टारगेट कुछ 15 दिन वगैरह होता है, या फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस तरह से वो 3 महीने चला चुके, वो मार्च से लोग उसमें कर रहे थे। अब ये जो वेबसाइट है ये 1330 दिन पुरानी है, जो 29/10/2019 को बनी है और एक्सपायर होंगी 29/10/2024 को, अक्टूबर में 2024 के, लेकिन इसके ताल्लुक से जो है ये भी रिडेक्टेड फॉर प्राइवेसी है, तो ये भी बताया नहीं जा सकता कि इसका क्या रहेगा क्या नहीं, क्योंकि 122 चेंजेस हुए हैं, 122 यूनिक आईपी से 19 साल में आईपी हिस्ट्री इनकी, और बाकी कुछ यहाँ पर आईपी वगैरह का ज़्यादा डिटेल नहीं आ रही है इसमें, रजिस्टर्ड एंड नो वेबसाइट, उनकी वेबसाइट नहीं है, तो ये चीज़ों से भी आपको aladdins.com यहाँ से बनाई गई है वेबसाइट, तो ये सारे हार्मफुल हो सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर हालांकि मोबाइल नंबर है, तो इस तरह से अगर कोई वेबसाइट होते हैं, एक भाई ने अभी एक और मैसेज किया है वो देख लेते हैं। उसी तरह से टीजी ग्लोबल बोल के एक ने भेजा है वेबसाइट इसको चेक करने के लिए, तो ये भी जो है तो गो डैडी से बनी है, और ये भी मतलब ओरियन जो है तो यहाँ पर बनी दिख रही है अमेजोन, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया टाइप में ये जो कंट्री का सिंबल आ रहा है US या फिर उस साइड में, तो ये भी बाहर का है रजिस्ट्रेशन का में, और हो सकता है कि ये डोमेन भी उनका ही हो, ये भी 35 दिन ही ओल्ड है GSA की तरह, तो हो सकता है कि ये भी जो है तो उनकी ही वेबसाइट है tgglobal.asia, तो इस तरह से इसको चेक करना है। एक और वेबसाइट भेजी है उन्होंने, तो उसको चेक करते हैं।
इसका है कैंसिस्वा कैंसिस्वा USA.com। ये अलग जगह की, इसका देखिए कंट्री का सिंबल अलग आ रहा है, क्लाउडफ्लेयर यूएस, क्लाउडफ्लेयर नेट। तो ये तकरीबन लेकिन जो है तो क्रिएटेड हुई है 20 से 2023 को, अभी अभी बने ही है। क्लाउड फ्लेयर बोलकर उनका यहाँ पर वेबसाइट वगैरह का यूआरएल दिए उन्होंने, सर्वर नेवर रजिस्टर्ड बिफोर, लेकिन इन्होंने कभी कभी भी डोमेन पहले नहीं रहा, इन्होंने कभी डोमेन नहीं बनाए। तो इस तरह से ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, जब भी आपके पास कोई लिंक आती है उसका ओरिजिन कंट्री वगैरह ये सारी चीज़ें देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि वो फेक है या नहीं।